दोस्तों, आपने सीरियल इश्क का रंग सफेद तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर धानी का किरदार निभाकर मशहूर हुई थी अभिनेत्री ईशा सिंह, जिन्होंने इस सीरियल में ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने दमदार अदाकारी से भी लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री ईशा सिंह खुद एक शख्स की दीवानी बन गई हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी फेवरेट अभिनेत्री ईशा सिंह एक शख्स की दीवानी बन गई हैं और जल्द ही उस शख्स से शादी करने वाली हैं। तो आखिरकार कौन है वो शख्स जिन्होंने अपने गुड बिहेवियर और गुड लुकिंग से इन्हें इतना इम्प्रेस कर दिया है कि ये उनसे शादी तक करने का डिसीजन ले चुकी हैं? अगर आप भी उस शख्स से मिलना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री ईशा सिंह के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा हैं ईशा सिंह, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1998 को भोपाल में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की थी। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2015 में आए सीरियल इश्क का रंग सफेद से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने शानदार अभिनय प्रदर्शन करके लाखों लोगों से खूब सराहना हासिल की थी। और इनका इसी दमदार अभिनय प्रदर्शन को देखकर कई डायरेक्टर्स ने इन्हें अपने सीरियल्स में अभिनय करने का मौका दिया, जिसमें एक राजा एक थिरानी और इश्क सुभान अल्लाह जैसे कई सुपरहिट सीरियल शामिल हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो जी टीवी पर प्रसारित किया जा रहा सीरियल प्यार तूने क्या किया सीजन 11 में प्रीत का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर बात करें उस खुशनसीब शख्स के बारे में जिनसे अभिनेत्री ईशा सिंह शादी रचाने वाली हैं, तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता अदनान खान हैं। जी हाँ, अदनान खान ही वो शख्स हैं जिनके साथ ईशा सिंह जल्द ही शादी करने वाली हैं। अगर बात करें इनकी लव स्टोरी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर हुई थी, जहाँ ये दोनों लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आए थे और एक साथ काम करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। इनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने अब शादी करने का डिसीजन भी ले लिया है। तो आखिरकार देखते हैं कि कब तक दोनों शादी करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी फेवरेट अभिनेत्री ईशा सिंह को जल्द से जल्द अभिनेता अदनान खान की वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।